सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले, ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। साथियों को सेवा करते हुए बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संभाला है, वो बिगड़ा मुकद्दर ही मेरा पल में संभाला है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा। मेरे हो गए हैं मेरे हो गए निराले बड़का, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा मेरे सांवरे के पैर
संसार सागर से पार उतर ही जाता है। जीव हाथ पकड़ता है तो यह संभावना है कि जीव छोड़ भी दे, क्योंकि मोह माया का आवरण गहरा पड़ जाता है। लेकिन अगर भगवान थाम ले तो गिरने और डूबने की संभावना ही खत्म हो जाती है। सूर्य शौनक इत्यादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं, श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो उस समय स्वर्ग से कुछ देव समाज अपने हाथ में अमृत का कलश लिए व्यापार विनिमय करने आए।
व्यापार विनिमय ही कहूंगी मैं से, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा, हे तपोमूर्ति महाराज, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा परीक्षित को देने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए, ये एक सौदा है, हम ये देंगे आप हमें वो दो। सुखदेव मुनि जी महाराज समझ गए कि देवता लोग आज प्रभु का दुर्लभ कथा रस चाहते हैं और प्रतिदान में स्वर्ग का अमृत देना चाहते हैं। उन्हें वह कहते हैं, ये निर्णय तो परीक्षित करेंगे कि उन्हें स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथा का रस चाहिए। आप परीक्षित से पूछ लो, जो परीक्षित निर्णय करेगा वो मुझे भी मान्य होगा। लेकिन परीक्षित की बुद्धि ने एक प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव, जब तक मुझे स्वर्ग के अमृत का लाभ पता नहीं चलेगा और मुझे कथा अमृत का लाभ क्या है यह पता नहीं चलेगा, तो मैं चुनाव कैसे करूंगा? चुनाव व्यक्ति तभी कर पाता है जब दोनों पहलुओं की जानकारी हो। तो तपोमूर्ति महाराज ने कह दिया कि स्वर्ग का अमृत तुम्हें स्वर्ग के सुख प्रदान करेगा, लेकिन जैसे तुम्हारे पुण्य कर्म क्षीण होंगे, तुम्हें अपने पाप कर्मों के अधीन पृथ्वी लोक पर फिर आना पड़ेगा और आवागमन के चक्र में तुम पड़े रहोगे। तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति, श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। और कथा अमृत, प्रभु की कथा में वो दिव्य ज्ञान मिलता है, उस रस की चर्चा होती है जिससे व्यक्ति को आनंद मिलता है। रसो वही सह, वो रस जो परमात्मा स्वरूप है, उससे आवागमन का चक्र कटता है, पाप धुलते हैं, मन की मलिनता छटती है और साफ मन भगवान के दरबार में जाने योग्य हो जाता है। परीक्षित जी इस समय चयन कर रहे हैं, ये वो चयन की प्रक्रिया में से आप सभी को गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम चिंता में पड़ जाते हैं, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। जैसे जगत जननी जानकी जी की अगर हम बात करें, तो उनको भी अपने जीवन में चयन करना पड़ा, या तो वो राजमहल के सुख पाले या पति के साथ कंटक मार्ग अपना ले। 14 वर्ष का वनवास, वो चाहती तो राजमहल का सुख अपना सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु जहां आप हैं वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरी मुक्ति है, मैं आपके साथ रहूंगी चाहे वो कांटों से भरा मार्ग क्यों ना हो। प्रभु श्री राम समझाते हैं, कुछ कंटक मग कांकर नाना चलब प्या देहु बिनु पद त्राणा, चरण कमल मृदु मंजुल तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे, कंदर खोहो नदिंग नद नारे, अगम अगाध नहीं जाहि निहारे, भालू बाघ ब्रिकु के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा, भूमि सयन बलकल बसन असनो कंद फल मूल, तेकि सदा सब दिन मिले सबु समय अनुकूल, नर आहार रजनी चर चरई, कपट वेश विधि कोटि करई, लागई अति पहार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निसिचर निकर नारी डर चोरा, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। हे मृग लोचनी, तुम्हें वन के कंटका किन मार्ग की जानकारी नहीं है, कंकर है, पत्थर है, वन में हिंसक जानवर है, और तुम कोमल स्वभाव की हो, ये सहन नहीं कर पाओगी, लेकिन जगत जननी जानकी ने सही मार्ग चुना और उनके उन्हीं चुनाव ने उन्हें जगत जननी जानकी बनाया था। अर्जुन के सामने एक और कृष्ण की नारायणी सेना है और एक और कृष्ण खड़े हैं, चयन अर्जुन को भी करना है, तो अर्जुन कृष्ण का चयन करता है। वो कहता है, इश्क एक तरफा में मैं मसरूर हो जाऊंगा, मैं श्याम तुम होंगे शमा काफूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा, मैं अगर मांगू तो मांगू कुछ ना देना तुम मुझे, मैंने गर मांगा तुझे तो मजदूर हो जाऊंगा, मैं मजदूर हो जाऊंगा, मुझे सेना नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए।
लेकिन जब दुर्योधन नारायणी सेना को स्वीकार कर चला गया तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुमने ये क्या किया? माखन तो दुर्योधन ले गया है सारा, मैं निहत्था क्या करूंगा? तुम्हारे हिस्से में तो मात्र छाछ रह गई है। तो अर्जुन क्या कहता है? रह गई जो छाछ उस पर ही मुझे विश्वास है, क्या करेगा माखन, माखन चोर मेरे साथ है, क्या करेगा माखन, माखन चोर मेरे साथ है। सही निर्णय किया। भक्त हनुमान का जीवन चरित्र देखो, उनको जब जगत जननी ने अयोध्या वापिस आने पर माणिक्यों की माला भेंट की, हनुमान जी के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि मैं तो जगत जननी जानकी और राम से आत्मीय प्रेम करता हूं, हमारे प्रेम में इस माला का क्या काम? जानकी ने दी है तो क्या औचित्य है? अब चिंतन है, सोचना चाहते हैं, मेरी सोच गलत तो नहीं, माला का क्या अर्थ है? महावीर के मन में आया, देखो माला में क्या छाया, ऊपर देखा नीचे देखा कुछ भी नहीं जो मन को भाया, होगा इसके भीतर राम, छोड़ के देखूं मैं सब काम, एक एक मुक्ता तोड़ रहे हैं, भीतर राम को खोज रहे हैं, ना राम मिला ना धाम मिला, ना अनुपम सामान मिला, कीमत क्या होगी उस धन की जिससे ना भगवान मिला। कुछ लोग वहां पर देख रहे हैं, मन में बैठे सोच रहे हैं, मुक्ता की कीमत ना जाने इसीलिए वो तोड़ रहे हैं, चलो चलकर पूछा जाए, कारण इसका हमें बताए। महावीर से पूछा, महावीर जगत जननी जानकी के माणिकों को क्यों तोड़ रहे हो? महावीर ने सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा, जिसके पास प्रभु नाम की दौलत और न कोई चाहत है, वह भक्त सदैव दुनिया में कभी न होता आहत है, माणिक्यों की माला ने न कीमत राम की आंकी है, देखो मेरा पावन हृदय सिया राम की जिसमें झांकी है। ऐसा कहकर हनुमंत ने सीने को फिर चीर दिया, छवि दिखाकर सिया राम की होठों पर यूं तीर दिया, राम मेरा कर्म मेरा धर्म मेरी गति है, राम मेरी शक्ति मेरी भक्ति मेरी मति है, बिना राम के इस दिल में होता हर्ष नहीं है, बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष नहीं है, बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष। देवों के देव महादेव हनुमान ने, हमारे महावीर हनुमान ने समाज में आदर्श स्थापित किया, जब भी चयन करना हो तो भगवान का चयन करना, इसलिए उनको देवों का देव कहा गया। पवन पुत्र हनुमान जो श्री राम का परम भक्त है, जब राम का नाम आए और कोई हनुमान जी को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान ने अपनी जो जगह बनाई समाज में वो अतुलनीय है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, वो दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। Thank you.
जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन मोटी लान गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन मोटी लान गए, पर्वत को हो पर्वत को पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बनाना क्या कहना। कृपा रहती है दुनिया के भक्तों